heart, Rania. I hate you. I hate you! आज तुम्हारा अपनी मोहब्बत पर से एतमाद उठ गया है। साहब का लवर के मुंह से आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, है ना? ऐसा ही है ना? मेरी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। और तुम्हें धोखा देने के सिवा कुछ नहीं आता। पहले उसे धोखा दिया, अब उससे शादी कर लिया, मुझे धोखा देती हो, रोज उसके बारे में सोचती हो, रोती हो, उससे बात करती हो। तुम्हारे एक की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, मरोगे तुम। क्या कर रहा है ये? वो मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मारा? दिमाग खराब हो गया? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो? ये तुमने लड़का पैदा किया है या नफ्सियाती मरीज? कभी इसे जलाता है, कभी मारता है। ड्रामे करती है ये ड्रामेबाज। और तुम बड़े वकीले सफाई बन के चले आए हो, उसकी हिमायतें कर रहे हो, अपनी सगी औलाद से पूछा है वो क्यों मारता है उसे, किया क्या है इसने? हर सिक्के के ना दो रुख होते हैं, समझे? एक ही तरफ कल्टी खा गए। सब जानता हूँ मैं कौन क्या कर रहा है, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ए रशीद मियां, जब घर की औरतें बागी हो जाती हैं तो सख्ती करनी पड़ती है। किससे कह रही हूँ मैं, बहरहाल इसको फोन करने की जरूरत क्या थी हमजा को, है? और वो भी घर वालों से छुपकर। कजन है उसका, आप लोग नहीं गए थे उसकी खैरियत पूछने? उसने फोन कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई? रानिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गैर मर्द के लिए अपने अपने शोहर को उसके बाप से पिटवा रही हो तुम? अब्बा ने कभी इसको डांटा तक नहीं और आज इस पे हाथ उठा लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। फसादा नहीं है, एक नंबर की फसादा ने। चाहती क्या है भाई, है क्या इस दिमाग में फतूर भरा हुआ? बाप के साथ गई नहीं, शौहर के साथ बसना नहीं, आखिर मकसद क्या है तुम्हारा इस घर में रहने का? घर का सुकून, इत्तफाक, इस घर के चैन बरकत सब सब खाक में मिला दी तुमने, चाहती क्या हो? बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा लाडला अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इस बच्ची का हाथ पकड़कर इसके बाप के घर छोड़ आऊंगा, फिर मत कहना मुझसे कुछ। अरे बस बस, बहुत हो गया सबका, चलो अब जाओ अपना अपना काम करो। और अब्बा एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता मैं, मियां बीवी के मसले में आप भी मत बोलो। चलो भाई चलो अपना काम करो, जाओ जाओ भाई। अम्मा तुम भी चली जाओ, नानी जाओ ना।
जा रहे हैं, जा रहे हैं। बैठ जाओ तुम भी, वरना मैं बुला लूं सबको वापस। उनके खड़ी हुई ने आपसे कहा था ना, कभी नहीं मानेंगे। खताबार में जज्बात में आकर भाई और भाभी के गुस्से में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर, ये तो इस निकाह के लिए राजी भी नहीं। दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सी चीजें जस्ट फॉर फन कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। रहे फिक्र बस यही, मेरी आंखें सिर्फ आपको देखें, तेरा फिक्र और आपके लिए वाहिद मैं ही महफर हूँ। कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे, बड़े फायदे होते हैं। जिंदगी भर इंसान लाड उठवाता रहता है। तुम्हारी चाय में टेस्ट की वैसे ही कमी है जैसे तुम में ब्यूटी की। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ जाना है तो ड्रेस चेंज करो। तुम्हें क्या लगता है? कमबख्त मोहब्बत इंसान को आसपास से ऐसे जकड़ लेती है जैसे अमर बेल, और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती। माने ना माने रा दिल, माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। अम्मा, अम्मा क्या बोलाई जा रही है, क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अरे भाई, नायला आंटी का फोन आया था, उन्होंने घर बुलाया मदद के लिए। अरे कौन सा आसमान से फोन आ गया जो इतना खुश हो रही है? और कौन सी पहली दफा बुलाया है? वो तो सदियों से बुलाकर तुमसे हंडिया बनवा रही है, रगड़ा लगा रही है तुम्हारा। अम्मा अब सब कुछ बदल चुका है, हालात जज्बात सब बदल गए। इसी बहाने अब मैं हमजा के करीब बैठा हूँ। दूर रहो उससे। नायला बता रही थी उसका दिमागी तवाजुन हिल गया है, जज्बाती हुआ है, अजीब जुनूनी। जब तक वो ऐसा जुनूनी हुआ है ना, उससे दूर रहे। अम्मा मुझे लगता है तुम्हें ना अब तक कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मुझे करने दो जो मुझे करना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे सुन, सना सना है को सब है भाई। क्यों आई हो यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए था वो तो मिल गया। तुम्हारी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू। Thank you.
क्या बात है आंटी, आप परेशान लग रही हैं, सब खैरियत है? तो टेंशन में ही जिंदगी गुजरेगी। हमजा ने बहुत परेशानी दे दी है मुझे। तबीयत ठीक नहीं हुई हमजा की? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, दिन ब दिन तनाई पसंद होता जा रहा है, ना किसी से बात करता है ना मिलता है। ये अच्छे साइन तो बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह तो वो मजीद डिप्रेशन में चला जाएगा। ये बात तो हम समझ रहे हैं ना, लेकिन उसको कोई नहीं समझा सकता। इन सब बातों में ना मेरा बेटा सफर कर रहा है। हम तो खुद इतने शर्मिंदा हैं नायला आंटी, कभी कभी लगता है कि शायद कहकर पछता रहे हैं। एक ना एक दिन सच सामने आ जाएगा, कसूर भी हमारी अपनी समझ का ही है। आपने मुझे किसी हेल्प के लिए बुलाया था? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। हमजा की टेंशन में ना मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। बस तुम थोड़ा घर का और हमजा का ख्याल कर लेना। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो, जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ ना तुम फौरन आ जाती हो। जी जाए जहां मिलना है गम मुझको वहां तन्हा थे हम तन्हा रहे लौटा नहीं मेरा मेहरबान रब की कसम तेरे बात ही नहीं रही इसमें, लेकिन मैं इसे जिंदगी की तरफ वापस ले आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आती। मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था, नायला आंटी को कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें लगता है जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो मेरा ख्याल रखेंगे? दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान में किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें ना तो मेरा कसूर था और ना ही मेरे घर वालों का। वो तो बस गलती से नानू के मुंह से निकल गया और नायला आंटी ने सुन लिया, जिसकी वजह से शादी रुक गई और निकाह भी रोक दिया गया। और फिर खालू ने दानिश की इतनी मिन्नतें की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, तो फिर उसने शादी कर ली, वो और बेचारा क्या करता। अब देखो ना सिर्फ तुम परेशान हो बल्कि हम भी परेशान है। मत लो उस बगैरत का नाम, दोस्त बनकर धोखा दिया उसने मुझे। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो वो कोई और सिर्फ रानिया है। क्या जरूरत थी उसको शादी करने की? अगर वो चाहती तो वो ना कर सकती थी, कोई मजबूर नहीं थी। वो निकाह का वादा तुमसे किया, तुम्हें घर से जाने को कहा और किसी और से निकाह कर लिया, क्यों? अगर सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देख। उसने ना सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहसास का भी मजाक उड़ाया, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? अपनी हालत देखो, क्या तुमने बना ली। और वहां वो धोखेबाज अपनी जिंदगी में खुश है, ना सिर्फ खुश बल्कि हनीमून की तैयारी कर रही है। उसे छोड़कर तुमसे शादी के लिए आना चाहिए था, उसे तलाक मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शट द हेल अप सना, जाओ यहां से प्लीज। याद रखना, सफर मोहब्बत का हो या नफरत का, अकेला इंसान टूट के बिखर जाता है, उसे अपने या किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ती।
मुझे कोई और नहीं, हमदर्द समझ के ही याद कर लेना। कभी मायूस नहीं होंगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। देखा सलमान, ताईजान का रवैया कितना अजीब सा हो गया है मेरे साथ। मेरी तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर मेरी बच्ची से नहीं करती। इतनी सी थी तुम रोज जब मैंने तुमसे जान छुड़ाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन अब जो मैं करूंगी उसका रिजल्ट सिर्फ कामयाबी होगा। क्या हुआ? कहीं छलांग लगाने का तो नहीं सोच रही थी तुम? मेरी सोचों तक तुम्हारी रसाई नामुमकिन है, इसीलिए अपने घटिया अंदाजे लगाना बंद करो। हमजा से मिलकर आ रही, बेचारा बहुत परेशान है। अब पता नहीं कि तुम्हारी शादी को लेकर या फिर तुम्हारी बेवफाई को लेकर। स्टे आउट ऑफ दिस। हाय, वो भी यही कह रहा था। मेरे हाथ थाम कर बहुत रो रहा था बेचारा, तड़प रहा था, और फिर वो तुम दोनों की साथ वाली तस्वीरें और वो तोहफे जो तुमने उसे दिए थे सब जला रहा था, और कह रहा था कि उसका बस चले ना तो वो तुम्हें भी जिंदा जला दे। सुनो तो सही, आजाद क्यों नहीं कर देती उससे? कह दो कि उससे मोहब्बत नहीं करती हो, क्योंकि तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो, लेकिन वो बेचारा वहां बहुत मुश्किल। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम आजाद ही कर दो उसे। सुनो तो सही, कहां जा रही हो? तुम दोनों की साथ वाली तस्वीरें और वो तोहफे जो तुमने उसे दिए थे सब जला रहा था, और कह रहा था कि उसका बस चले ना तो वो तुम्हें भी जिंदा जला दे। कहां लेके जा रही हो ये? ये अम्मा की दवा के लिए है, दूध पीना है उन्होंने दवा के साथ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय बनानी है। ओफो, बड़ी आई चाय वाली। बात सुनो, इस घर का कोई बजट है? ऐसे नहीं कि उठाया चाय घोली और पी ली। रशीद साहब को चाय पीनी होती है, सना की चाय, तुम्हारे शोहर की चाय, अम्मा की दवाई का दूध है, 1000 चीजें। बढ़िया ही चाय वाली, तुम एक काम करो,
अपने अब्बा से कहो कि जहेज तो दिया नहीं, एक भैंस ही दे दें, और उनको ये भी कह देना कि जो है सर्दियां आ रही हैं, कोई लिहाफ कंबल गद्दा नहीं है। कुछ दिया नहीं जहेज, उल्टा भाड़ जैसी बेटी हमारे सर पे दे मारी। फोन दे मुझे। लो मैसेज करो, हमें क्या पता तुम हमजा से फिर से इश्क की पींगे बढ़ाने लगो। करो मैसेज, लिहाफ गद्दे। व्हाट्सएप पे कर, व्हाट्सएप पे। साहब मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। साहब चाय रख। क्या आप फोन में लगे हुए हैं? आपकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लें। रानिया का वॉइस नोट सुनोगे? बाबा मैं कैद खाने में जिंदगी गुजारने आई हूँ और शायद यही मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ेगी। यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे कुछ मिलने की उम्मीद। मैं यहाँ खाली हाथ आई हूँ, लेकिन जब बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं तो खाली हाथ नहीं करते। मुझे पता है आप मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। ये पागल तो नहीं हो गई है? इसे वहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस सामान वहां मंगवा रही है। साजिदा, मैं अपनी बेटी को छोटी छोटी चीजों की वजह से तड़पाना नहीं चाहता। जो भी वो कह रही है वो सब मंगवा, सब कुछ। हो सकता है कि मेरे गलत फैसले का मदावा हो सके। प्लीज मंगवा। Thank you.
भाई वाह, क्या टोर हो गई है तेरी घड़ी पहनकर। बहुत सारे लोग जेलिस हुए हैं। क्या किस्मत चमकी है तेरी भाई शादी के बाद, भाई वाह। अल्लाह बंदे को वही देता है जिसके वो काबिल होता है। ओ भाई ध्यान से, यहाँ लोग 4,000 के मोबाइल के लिए बंदा मार देते हैं और तू 2,00,000 रुपए की घड़ी पहनकर उसकी नुमाइश करता फिर रहा है, क्या बात है यार। यही तो मसला है, अब खाता पीता आदमी जाए तो कहाँ जाए, हाँ बाहर निकले तो डाकू पकड़ लें, वरना टैक्स वाले नहीं छोड़ते, करें तो क्या करें। ओ भाई जरा नीचे आ जा, हल्का हो जा, ससुरालियों की दिए हुई चीज पर ना इतना घमंड नहीं करते। जिंदगी पर धक्का स्टार्ट नहीं रहूंगा। अक्सर चलती फिरती गाड़ी को भी धक्का देना पड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नकारा हो, समझा? ओह, अरे मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे बात सुन, तेरे सुसर ने जहेज में तुझे गाड़ी नहीं दी, अब तू इतनी महंगी गाड़ी पहनकर इस खटारा बाइक पे जाएगा, बता कैसा लगेगा तू? मेरी मानना, इस घड़ी को बेचकर 5-6 गाड़ियां ले ले, इतनी महंगी घड़ी है यार ये। अगर तू बोल तो भाभी से बात करूं मैं। क्या हाल है, क्या डिस्कशन चल रही है भाई? चाय तो पिला दो यार। चाय यूं आ जाएगी, मसला ही नहीं है। तू तेरे ससुराल को तुझे घड़ी दी है ना, घड़ी ये देख, घड़ी इसको बोलते घड़ी। यार घड़ी तो बड़ी जबरदस्त है, चल छोड़ अब, किस्मत ही बदल गई तेरी। तू मैं तो इसे बोलता हूँ इस घड़ी को बेच, 5-6 गाड़ियां आ जाएंगी, इतनी महंगी घड़ी है ये। I'm sorry बच्चा, कल हमजा ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, मुझे मेरी मुलाजमा ने बताया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप क्यों माफी मांग रही हैं? देखिए अब आप इस तरह करेंगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। अगर मुझे बुरा लगा होता तो यूं आज फिर ना आती मैं। पता नहीं क्या हो गया उसे, बिल्कुल ही गुमसुम रहने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर किसी ने कोई अमल कर दिया हो? क्या आप यकीन रखती हैं इन सब बातों पे? जादू तो बरहक है ना, और हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लगी हो उसे। कुछ भी हो सकता है। अम्मा के ना एक जानने वाले पीर बाबा, बाकी बाबाओं की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुतमईन हो तो एक बार उनसे बात कर लें। बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा पहले की तरह हो जाए। अगर वो इसी तरह कमरे में बंद रहा तो एक दिन पागल हो जाएगा। आंटी ये भी तो मुमकिन है कि हमजा को किसी हमदर्द और मुखलिस इंसान की जरूरत हो जो हर वक्त उसके साथ रहे। अब देखे ना, मुलाजिम तो ये काम नहीं कर सकते। वो इंसान जो मुखलिस हो, बेगर्ज हो, क्योंकि हमजा को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। आप समझ रही हैं ना? चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। सारा सामान मुकम्मल हो गया है ना? ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, सामान लेकर वहाँ पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। इतना सामान भिजवाने की क्या ज़रूरत, बस ज़रूरत की चीज़ें भिजवा देते, बस काफ़ी है। हमारे पास जो कुछ भी है हमारी बेटी का है। दानियाल आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
वो इस वक्त जिद कर रही है। वो खुद को तकलीफ पहुंचा के असल में हमें तकलीफ देना चाहती है, मगर वो ज्यादा अरसा ऐसा नहीं कर पाएगी। साजिदा, मैं जानता हूं कि वहां पे रहना हमारी बेटी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते अपनी बेटी के लिए, सिवाय इसके कि उसकी जिंदगी की मुश्किलात कम करने के लिए उसे सामान भेजें, उसे पैसे दें, और क्या करें। आप अम्मा के खानदान को नहीं जानते, वो एक छलनी की तरह है, जितना भी उसमें डालते जाएंगे सब बहकर जाया होता रहेगा। अल्लाह खैर करेगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले, परेशान ना। हाय अल्लाह, मुझे तो नायला आंटी का रोना ही बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मुझे हमजा की हो रही है। नानो, अरे तो तुझे तसल्ली देनी चाहिए थी ना नायला को अच्छी तरह से। जितनी जल्दी तू नायला को राम करेगी ना उतना ही तेरा फायदा है, समझ ले ये बात। अरे वही तो कर रही हूँ, हमजा ना सही, कम से कम नायला आंटी का ही वोट मिल जाएगा। वाह, मैं तुझे बता दूं, ये तो जिन चक्रों में पड़ी हुई है ना, कुछ हाथ नहीं होगा। वो टुंडा अभी तक रानिया की मोहब्बत में पागल हुए जा रहा है, तुझे कोई चोट पहुंचा देगा वो। नानो, वो कौन सी मिसाल थी? वो पत्थर वाली? हाँ, पत्थर पे मुसलसल पानी गिरता रहे तो उसमें सुराख होना लाजमी है। और फिर हमजा भी तो इंसान है, मट्टी का बना है। बिल्कुल सही कह रही है तेरी बेटी, तुझसे ज्यादा अकलमंद तो तेरी बेटी है। इसकी बात सुना कर तू ऐसी बातें करके उसका दिल क्यों छोटा करती है? अरे अम्मा, दिल छोटा नहीं कर रही, इसको समझा रही हूँ। कल कल आपको कुछ ऐसा कह दिया है ना, तो इसी का दिल दुखेगा, बचा रही हूँ इसको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि मुझे मेरे हमजा पर और मेरी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। बहुत ताकत है मेरी मोहब्बत में, वो सिर्फ मेरा है। मेरी बात सुन, ये जो तू कर रही है ना, ये मोहब्बत नहीं है, जिद है। एक ऐसी जिद जो तबाह कर देगी। बकवास बंद कर, काली जबान है तेरी बस बोली जाती है। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीबा जल्द खोले और हमजा का दिल राम कर दे मेरी बच्ची के लिए। अल्लाह ताला बस तू ही कर दे, सुन ले हमारी बात। आमीन बोल दो। आमीन भाई, आमीन। और क्या, आमीन भी नहीं बोलेगी? रानिया बेटी, बेटा कैसी हो तुम? आपके सामने हूं बेटा। मेरा पूछने का मतलब यह था कि दानिश ने फिर तो तुम पर हाथ नहीं उठाया। नहीं, और जो कुछ भी हुआ मैं उसे कबूल कर चुकी हूं, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा,
अपनी जिद छोड़ो, चलो मेरे साथ। खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो यहां रहकर? मैं तुम्हें लेने आया, चलो आओ। ले जाइएगा बाबा कंधा देकर। आजाद क्यों नहीं कर देती उससे? कह दो कि उससे मोहब्बत नहीं करती हो, क्योंकि तुम तो अपनी जिंदगी में खुश, लेकिन वो बेचारा वहां बहुत मुश्किल। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम आजाद ही कर दो उसे। वैसे आज तुम्हारा अपनी मोहब्बत पर से एतमाद उठ गया। साहब का लवर के मुंह से I hate you सुनकर तुम्हें धोखा देने के सिवा कुछ नहीं आता है। पहले उसे धोखा दिया और मुझसे शादी कर लिया, मुझे धोखा देती हो, रोज उसके बारे में सोचती हो, रोती हो, उससे बात करती हो।